वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ देवेश त्रिपाठी फ्रॉम पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज। आइए आज फिर एक मुख्य टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे पहले हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए यूनिट सेल के वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए और उस यूनिट सेल में एटम के द्वारा कितना जगह ऑक्यूपाई किया गया है वो पता होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पैकिंग एफिशिएंसी देखें आप, तो पैकिंग एफिशिएंसी में भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होना चाहिए और उस यूनिट सेल में एटम के द्वारा कितना ऑक्यूपाई किया गया जगह है, वॉल्यूम है, वो पता होना चाहिए। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, पैकिंग फ्रैक्शन एक के लिए देखी जाती है और पैकिंग एफिशिएंसी 100 के लिए देखी जाती है, यानी कि परसेंटेज में से निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए कि उसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वही हमें चेक करना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। आइए देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एज लेंथ तो हम जानते हैं कि यूनिट सेल हम पढ़ चुके हैं क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूबिक यूनिट सेल का फिगर कुछ ऐसा होता था। ठीक है, और इसमें एज लेंथ क्या होती थी, ए होती थी, तो एज लेंथ हो गया ए। ठीक, क्लियर है इतना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम हमें निकालने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके विषय में कि क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यू। ठीक है, एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच में जो रिलेशन था हम पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू टू आर। ठीक है, तीन चीजें आपको मिल चुकी हैं, चौथा क्या पता होना चाहिए, रैंक पता होना चाहिए, रैंक। यानी कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके लिए रैंक क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल एटम के लिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन, तो रैंक एटम पर यूनिट सेल 1 × 4/3 πr³ / एज लेंथ का क्यूब होगा, एज लेंथ हमारे पास क्या है, ए, और एज लेंथ इज इक्वल टू क्या है, 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा यहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं 1 × 4 πr³, 3 को आप नीचे ले लीजिए तो 3 × 8 r³। ठीक है, 4 से आप देखें 8 कटेगा दो बार में। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां r³ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 × π = 6, 1 × π / 6 इज इक्वल टू, देख सकते हैं π/6। ठीक है, और π/6, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14/6, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.52। ठीक है, इस तरह पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी, ध्यान दीजिएगा यहां पैकिंग फ्रैक्शन है, हम पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि अब इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.52 × 100 इज इक्वल टू 52%।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52%। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की गई है वो क्या है, 52%। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि उन्होंने कितना एक्वायर किया हुआ है जगह। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, एटम के द्वारा कितना एक्वायर किया गया जगह, 52% किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें।